तो ये गूंद रही है आटा, हमारा गोश्त। अभी मसाला हो रहा है तैयार। जैसे हमने इसको अच्छे से तड़का लगा लिया, मुर्गी डाल दी है। अभी रात का टाइम हो गया, देखिए अंधेरा छा गया। सट सट पुत्र, बेबो ये अम्मी तेरी पानी सटें दिया तेरे उते। हाँ ये जी भाग रहा है, इसकी मम्मा ने इसके इसके ऊपर पानी फेंक दिया है, इसलिए ये भाग रहा है। तो जी ये हम क्या कहते हैं, पानी मार रहे हैं। देखो। तो शाम का टाइम है जो है, थोड़ा माहौल ठंडा हो जाएगा। ओ गिर पड़ेगा तो ऐसे ना कर, गिर पड़ेगा वो। आजा बेबो, आजा आजा भाग, 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 वो दरवाजा भी दे रहा है देख। तो ये जी पानी भर रही है। हाय, आज जो मैं पानी भर रही हूँ किस चीज के लिए? अच्छा छोड़, वो क्या कहते हैं उसको, जल्दी कर, फिर मुर्गी भी तैयार करनी है। मुर्गी पकाएंगे क्या? हाँ मुर्गी 1.5 किलो ले आया था, तो हम ना वो क्या कहते हैं, खैरात करेंगे, देंगे सबके घर में। हाँ मुझे तो आज मुर्गी की बात भी भूल गई थी। तो फ्रिज में रखी है, तो उसे निकाल के ना आज पकाना है, और सबको जो है ना वो बांटनी भी है। अच्छा, तो ये पानी मार रहा हूं। तेरा भाई परेशान बैठा है आज। ओ ओ वत वत देख, हाथ दीती पे अगू। क्या करें दीपिया? काम आता करें दीपिया। हैं? अपना काम करें दीपिया। अपना काम करें दीपिया जी। ठीक। मैं नहीं करना, ये बिचारी है ऐसे हमारी। ये बहुत सियानी बच्ची है। ये जनाब नंबरदार आज चमकदा बदवे देखो, माशाल्लाह नवी जुत्ती, नवे सूट, नवे कपड़े और बेबो भी। बेबो ओ गया बाबू। बकरी को खवाओ। इधर देखो, खवाओ खवाओ। क्या कर रहा है बेबो? बेबो को धवा सकती हूँ। अच्छा बेबो को धवा सकती हूँ, ठीक है। तो जी ये गूंद रही है आटा, और अभी तक सालन का कोई पता नहीं। मैंने कहा सालन जो है ना वो ऊपर चढ़ा दो, वो पकता रहेगा, फिर आप ये गूंद लेना। बस औरतें अपनी मर्जी करती हैं। मुझे गुस्सा ना दिवाया कर यार, पहले आटा गूंद कर रख दूंगी, फिर सालन पका के ऊपर क्या करूंगी, सालन पकता रहेगा फिर मैं रोटी पका लूंगी, ऊपर टाइम भी हो जाएगा ख़त्म देने का, फिर ख़त्म दिलवा के फिर दे देंगे रोटी। बस नाने अबू का ख़त्म दिलवाना है आज, तो इसलिए जो है हम जल्दी पका रहे हैं कि टाइम पर जो है हम अपने नाने अबू का ख़त्म दिलवा दे सकें, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आटा गूंद रही हूँ। अभी असर हो गई है? असर हो गई है। हाँ असर तो हो गई है, मगरिब वाली अजान से पहले हमने खाना तैयार करना है। अब आटा जो है मैंने गूंद लिया, पीजी हो रहा है चूल्हा साफ, अल्लाह करे हो जाए आज, मगरिब होने वाली है। गैस सिलेंडर साफ की थी? नहीं। अभी जो कर लिया फिर उसे करूंगी। पापड़ खाते हैं कोई भाई? ये देखें, मैं खाती हूं पापड़ कोई खा। ये मोटरसाइकिल पे लोड है सर। ये सारा मोटरसाइकिल पे लोड है, देख ले, रक्षा नहीं है मोटरसाइकिल है।
मैं आपको नीचे दिखा सकता हूँ, ये देखें नीचे, ये देखें मोटरसाइकिल है। तो इस पे जो है ना ये सारा लोड है और मैंने ये बेचना भी है। अब ये हो गया साफ। मिर्चें ख़त्म हो गई थी, मिर्चें अभी मंगवाई हैं पूरे 50 रुपए की। और ये 10-10 वाली धनिया पाउडर हो गया, ये 10-10 रुपए की ना 3-4 पत्तियाँ मंगवाई हैं कि इससे ना अच्छा सालन बनता है। और ये उठा रही है मुर्गी, वो उनकी हैं भाई की, नहीं उठाई होंगी। जी हमारा गोश्त, ये जी मुर्गी पूरे 1.5 किलो, तो ये आज पकाएगी और आपको खिलाएगी। जी खिलाऊंगी, जी जरूर खिलाऊंगी। अब जो है मैं पकाने जा रही हूँ, हटो हाजरा। ये मुर्गी जो है हम फ्रिश कर रहे हैं, नलके पे धो रही है। मसाला भी तैयार है, प्याज और टमाटर। घी में होगी फ्रेश। अभी सारी डाल दी है और ये फ्राई हो रही है घी में। अभी मुर्गी जो है ना वो सफ़ेद सफ़ेद हो चुकी है, घी में जो है ना इसे तड़का लगाया है। एक मटर थोड़ा है ना इसलिए वो काट रही है। तैयार हो रहे हैं, देखें मसाला तैयार हो रहा है ये, और ये उबल चुकी है। अब डाल रही है मिर्चें, लाल मिर्चें जो होती हैं तेज। अच्छा डब्बे में, मैंने कहा सालन में डाल रही है। सालन में भी डालूंगी। अच्छा सब्ज मिर्च ऐसे साबित छोड़ दिए? कटती हुई ना ज़्यादा फिर क्या कड़वी हो जाती है इसलिए। मिर्च अभी डाल रही है, वो भी थोड़ी सी डाली है बस, चीखेंगे लोग और कुछ नहीं। थोड़ी सी डाली है ना, ज़्यादा तो नहीं डाली। इतनी लाल हो चुकी है, इसमें हल्दी भी है ना इसलिए लाल हो गई है। अभी मसाला हो रहा है तैयार, तो ये अदरक थूम तो ये सारा ना वो डाल रही है, छंडे मार रही है अदरक थूम के। अभी डाल रही है नमक, डाल भी दिया थोड़ा सा, चखूंगी फिर जब फीका होगा तो डालूंगी, नहीं तो बस काफी है। बड़ी खुश है आज मुर्गी पक रही है इसलिए खुश। वैसे कौन सा मैं रोजाना रोती रहती हूँ क्या? रोजाना तो ढंढोरे होते हैं। अच्छा पता नहीं मुझे याद। जब दाल पकती है, दाल तो मैं शाम से खाती हूँ, कल भी मैंने दाल पकाई थी जो रात गुजर गई है उसमें। देखिए साला, जैसे हमने उसको अच्छे से तड़का लगा लिया, मुर्गी डाल दी है, तो आप देखें मुर्गी तैयार होगी आपके सामने। और जब तैयार हो जाएगी आपको दिखाएंगे तो आप जो है ना मर ही जाएंगे। अल्लाह
सब बहन भाइयों को ऐसे तो ना कहो, मर जाएंगे। इतनी प्यारा खाना बनाती है तो ऐसे ही कहूँगा। मेरा खाना बना हुआ अच्छा नहीं होता, ऐसे बस तारीफ कर रहा है, अच्छा नहीं होता। बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह, मैं तो तारीफ ही करूँगा मैं जो खाता हूँ। अगर तारीफ नहीं करूँगा फिर खाना कहाँ से मिलेगा? अच्छा तू फिर एक ही जवाब होता है, जो अच्छा पकाती है उससे जाकर खाओ, जो अच्छा पकाती है उससे जाकर ले लो। फिर कोई बात नहीं, अब अगर आप तारीफ नहीं करेंगे तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे भी दे दूंगी। भूख की औरत पकाने से पहले जेरा खा रही है, जेरे का मतलब कलेजी। कलेजी मुझे बहुत पसंद है, मम्मी कहती है जब सालन बनाए ना, जब कलेजी हो तो फ्राई करने से पहले इसे खा लिया था, क्योंकि सब बहन भाइयों को देते हैं ना, ये उनके घर चली जाती है फिर मुझे नहीं मिलती, इसलिए मैं अपना टाइम से खा लूँ। जेरा निकाल रही है, कलेजी निकाल रही है बीज में से। मज़े। ये मैं खा लूँ? खा लो, आप खाओगे मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने खाया है, बस खा लो, कोई मसला भी नहीं है। ये बिल्कुल ओके हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे पानी, और पानी डाल के इसे दम दे देंगे, फिर ये हो जाएगी तैयार, फिर आपको दिखाएंगे। देखा चोखे डाल दिया है पानी, और अब ये पानी जो है उबलेगा, जब उबलेगा तो ये तैयार हो जाएगी। तो पानी इसलिए थोड़ा ज़्यादा डाला क्योंकि सबके यहाँ ये बाटनी है। अभी ये दम भी हो गया तो इसका ब्लड भी लो हो गया, तो ये अब नींबू वाला पानी बना रही है, नमक वाला, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। क्या है? गर्मी की वजह से मेरा ब्लड जो है लो हो गया। अब तो देखें आज बोल भी नहीं रही क्योंकि ये गर्मी की वजह है, ब्लड इसका लो है, तो गर्मी में आज इसने बनाया तो ना ही हालत है, पसीना ही पसीना है। अब नींबू वाला पानी पिएगी, सब दुआ करें इसके लिए, अल्लाह पाक इसे सेहत दे और मजीद मोटा करे। अल्लाह नहीं, सूख जाऊँ सब ने दुआ कर लिया। ऐसे लकड़ की तरह हो जाऊँ, मैं तंग हो गई हूँ मोटापे से। पी अल्लाह पाक तुझे बहुत दे। ये खोरी उठा रही है रोटी पकाने के लिए। शाम का टाइम है और बकरियां जो हैं भाई की वो चारा खा रही हैं, और हम आए हैं भाई के घर खाना रोटी बनाने, तो ये खोरी भी ले आई, वो भट्टी है उधर रोटी पकाएंगे, ये भाई का घर है और वो अपना सालन बना रहे हैं। भट्टी को धोने के लिए भर रही है पानी। ये जो खोरी जली हुई है ये बाहर निकाल रही है, सफाई हो रही है जी, सफाई निसफ ईमान है। तो जी ये अब जो है अपना धो रही है, तो अभी जो है भट्टी जो है वो धो दी है। तो भाई का सालन आपको चेक करवाया, उन्होंने क्या पकाया है? भिंडी। मुर्गी मैं नहीं खाऊंगा जी, मैं भिंडी खाऊंगा। हाँ मुर्गी अपनी इनको दे दूंगा और मैं भिंडी खाऊंगा। सही है, मंजूर है। तो ये जी है क्या, कंदूरी पौना ऊपर डाल दिया, अभी इस पे जो है ना खाना रखेंगे, अभी जो है बनाना स्टार्ट है, अभी ये पेड़े बनाएगी,
फिर जो है ना, क्योंकि एक साथ तीन चार रोटियां जो है ऊपर चढ़ जाती हैं। तीन रोटियां। तो जी आग जो है वो जल चुकी है और रोटी पकाना स्टार्ट। सालन अभी तैयार नहीं हुआ था और हमारा गैस सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो गया, अभी हम जा रहे हैं भरवाने। खुल गया? खोल। चल ये अभी रात का टाइम हो गया, देखिए अंधेरा छा गया। इसने कहा मगरब से पहले रोटी बना के दूंगी। ऊपर देखो क्या हुआ, मगरब हो गई तो तेरी रोटी नहीं पकी। अजान ने कहा हुई कपड़े क्यों मंदे हो गए? हाँ तो बस अजाने होंगी तेरी रोटी तैयार होगी। गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया था, गैस भरवा के ना अभी फिर जो है ना दोबारा सालन रखा है ऊपर। तो इसमें मेरा कसूर है? नहीं, सिलेंडर का कसूर है, कसूर मेरा भी नहीं है। हाँ है, तेरा कसूर है, जब ख़त्म होने वाला हो बंदा पहले बता देता है। फिर भराने के लिए जाता है तो अब भरवा आया या नहीं? भरवा आया और सालन मैंने चाट दिया दोबारा। सच्ची? हाँ जी। वाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सालन भी पका के दिया है इसने और मुझे तभी भी गर्म कर दिया इसने। बस रन मुरीद ऐसे ही होते हैं। ओह रन मुरीद थोड़ी है, जो अपनी बीवी की खिदमत करे वो रन मुरीद क्या कहता सलीता है। तो जी मगरिब की अजान भी हो गई और ये रेडी करके आ गई खाना। खाना जो है अब तैयार हो चुका है, अब जो है हम तकसीम करते हैं, सबको देते हैं। ये जी मेरा खाना माशाल्लाह सफेद सफेद रोटियां। अच्छा तारीफ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। चल बाहर फिर जा मैं थोड़ा हवा लगवा लूं। अब ब्लड लो हो चुका, अब सही है, देखें पंखे के आगे बैठ गई। मुर्गी हो गई तैयार। तो जी अभी जो है हमने खाना रेडी कर लिया है शाम का और अभी जो है हम खाएंगे और सबको देंगे जैसा कहा। क्या है बता रहा है चाचू आपका फोन बज, मोबाइल बज रहा है तो ये बता रहा है कि मोबाइल बज रहा है। बजने दो बजने दो। खाना इसने तैयार कर लिया है? खाना मैंने तैयार कर लिया है, अब जो है तकसीम करेंगे, अब हमें दें इजाज़त। हाँ जी, तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करें और लाइक वीडियो को ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी पूरी वीडियो को देखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये छोटी सी गुजारिश होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपके एक सब्सक्राइब से ना हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी और इसकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो अभी हम इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज। वो देख वो करना वो।